धारावी पुलिस स्टेशन की तरफ से दी गई इफ्तार पार्टी में तमाम ही वरिष्ठ अधिकारी आए और हमने उन वरिष्ठ अधिकारियों से बात करने की कोशिश की और ख़ास करके हमने कुछ सवाल जानने की कोशिश हम कर रहे थे, लेकिन हो सकता है कि वो किसी और शेड्यूल में बिजी थे, उन्होंने हमारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। लेकिन जो आम जनता सुबह से इस प्रोग्राम को सजाने और संवारने में लगी हुई थी, हम उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम इफ्तारी पार्टी को लेकर के किस तरह की मेहनत आप लोगों ने की है। जी हाँ, हम लोगों ने किसे की है, क्या किया आपने सुबह से? सारे अफ्तारी लगाई है, सबके लिए सजावट किया है, कुर्सी टेबल लगाई है, और ये मैडम ने ज़्यादा मेहनत किया है। धारावी पुलिस स्टेशन के सीनियर PI सुरे बांगर जी यहाँ पे मौजूद हैं और उन्होंने आज के इस कार्यक्रम को आयोजित किया था इफ्तार पार्टी को। हम उनसे जानने की ये कोशिश करेंगे कि इस इफ्तार पार्टी में जिस तरह से आप महिलाओं का स्वागत कर रहे हैं, कितनी मेहनत आपके डिपार्ट ने और आम जनता ने मिल करके की है, इसके बारे में आप जरा सा हमें बताइए। आम जनता हमेशा ही हमारे साथ में रही है, मैं पिछले 2.5 साल से यहाँ इस पुलिस स्टेशन में हूँ, तो आम जनता साथ में है, इसी वजह से हम लोग इस पुलिस स्टेशन में ठीक से काम कर पाए और काम करेंगे। आम जनता का सहयोग आपको हमेशा ही मिलता रहा, लेकिन जिस तरह की धारावी में आज ईद का माहौल है, रमज़ान का माहौल है, गर्दी है और पूरा पुलिस विभाग उसमें लगा हुआ है, फिर भी ऐसे कठिन समय में भी आपका डिपार्टमेंट जिस तरह से यहाँ दिख रहा है, तो किस तरह से मैनेज आपने इसको किया है? मैनेज तो हम लोग करते ही, हमारा काम ही है वो, लेकिन मैनेज करते समय यहाँ की जो पब्लिक हमेशा सहयोग करती है, तो उसकी वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं आती, हम लोग उसकी वजह से मैनेज कर सकते हैं। सूर्यकांत बांगर जी, मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपके वरिष्ठ अधिकारी जय कुमार जी यहाँ पर आए और जैन साहब यहाँ पर आए, तो आज की इस इफ्तारी पार्टी क्योंकि आपने आयोजित की थी, उसको लेकर के क्या उनके मन में उत्साह बनी या किस तरीके की भावनाएं उनमें पैदा हुई? यहाँ जो इतनी उत्स्फूर्त पब्लिक यहाँ आई थी और सारे पब्लिक ने और पुलिस ने मिलकर यहाँ जो काम किया, तो ऑब्वियसली उनको तो अच्छा ही लगा है। उनको अच्छा लगा है और अच्छा लगना भी चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही अपने विषय में उल्लेख कर दिया है कि मुंबई के अंदर 93 के बाद से जो सिचुएशन जातीय सलोखे की बनी थी, उसको सुधारने के लिए, उसको बनाने के लिए एक बहुत बड़ा जो योगदान अगर राजनीतिज्ञों ने किया है, तो एक तरफ मुंबई पुलिस ने भी किया है, और उसी समय से लेकर के चाहे वो बहुत सारे अधिकारी रहे हो, जूलियस रिबेरो जैसे व्यक्ति जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, सुरेंद्र कुमार पांडे संजय बर्वे, ऐसे बहुत सारे पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने समय समय पर शांति बनाए रखने का, और चाहे वो ईद का मौका हो, चाहे वो रमज़ान का मौका हो, चाहे वो गणपति का फेस्टिवल हो या अदर फेस्टिवल कोई भी हो, उसमें वो शामिल होकर के एक जातीय सलोखे को और शांति को बनाए रखने का प्रयास मुंबई पुलिस का हमेशा ही रहा है, और ये एक बहुत अच्छा चलन मुंबई शहर के अंदर ये देखने को मिलता है, और इसी को फॉलो करते हुए आज पूरे भारत देश के अंदर आज हम जिस तरीके से देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी आज रमज़ान की पार्टियाँ आयोजित की जा रही है, वर्ल्ड में शांति की ज़रूरत है, आज वर्ल्ड भी जो है इस बात को मानता है कि रमज़ान के महीने में अगर कहीं ना कहीं इफ्तार पार्टी का आयोजन होता, लोगों को बुलाया जाता है, तो पूरी दुनिया में एक शांति का संदेश रमज़ान के महीने से शुरू होगा, ये अपने आप में एक मिसाल है, और धारावी की शुरुआत भी यहीं से होती है, और हमसे यहाँ के बहुत सारे पुलिस अधिकारियों ने बात की इस हमसे चर्चा करने के लिए, हम उसके आभारी हैं, धन्यवाद।